गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, किन्हीं कारणों से मैं कल अपना वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। तो उससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने लाइमेन श्रेणी पूरी कर ली थी और अब हम लाइमेन के बाद अगली श्रेणी बामर श्रेणी पूरा करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, जिस तरीके से हमने लाइमेन श्रेणी पढ़ी थी ठीक वही तरीका है बामर श्रेणी को पढ़ने का। सबसे पहले इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि बामर सीरीज़ क्या है, तो बताइए। मैंने आपसे कहा था कि लाइमेन श्रेणी में तो क्या होगा, ये नाभिक, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास और ऐसे अनंत तक क्लास चलेगी, ठीक है। लाइमेन में तो दो एन बराबर या एन वन बोल दें इसको, बराबर एक ये था, दो तीन अनंत, ठीक है। तो लाइमेन श्रेणी में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा था, दो से एक में, तीन से एक में, अनंत से एक में, ठीक है। मतलब पहले क्लास में वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था। बस अब बामर श्रेणी में हमें क्या करना होगा, पहली क्लास को छोड़ दो, अब इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लास में जंप करेगा। तो कहाँ से करेगा बताइए, तीन से, चार से, पाँच से और अनंत से। तो बताओ बामर श्रेणी कब बनेगी, कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन एन टू बराबर कितना आएगा बोलो, तीन चार पाँच छः अनंत से लेकर कहाँ जंप करें उसमें से एन वन बराबर दो में अगर वो जंप करता है तो जो विकिरणों की श्रृंखला आएगी उसको हम कहते हैं बामर श्रेणी। क्या कहते हैं उसको, बामर। बस अंतर ये है कि लाइमेन में तो वो जंप कर रहा था पहली क्लास में और अब कर रहा है वो दूसरी क्लास में, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखिए परिभाषा लिखी हुई है इसकी, हेडिंग बामर श्रेणी, एच परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा कितनी है वो एन टू बराबर तीन चार पाँच छ डैश 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 अनंत से कहाँ कूद रहा है, निम्न कक्षा एन वन बराबर दो में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब सॉरी, बामर श्रेणी के लिए हमारे पास याद कीजिए क्या फॉर्मूला था, वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। तो वही काम करना है हमको। अब बताओ बामर श्रेणी में एन वन कितना रहेगा हमेशा, दो। लाइमेन में एन वन कितना था, एक, ठीक है। तो एन वन की जगह दो रख दो ऊपर, तो क्या आएगा स्टेप में, इसमें रखेंगे, सॉरी इसमें रखेंगे तो दो रखेंगे तो वन अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू आर वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। ये इस बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का व्यापक सूत्र हो गया। अब अगला स्टेप बताइए क्या था, कि बामर श्रेणी में बहुत सारी रेखाएं मिलेगी तो हमको एक तो कौन सी रेखा की, प्रथम रेखा की, और एक कौन सी रेखा की, अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी होगी। तो बताइए प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है तो उसमें एन वन तो कितना हो जाएगा, सर एन वन तो उसमें दो होगा, और एन टू कितना होगा, एन टू उसमें हो जाएगा तीन, ठीक है। जो नए जुड़े हैं उन समझाता हूँ मैं एक बार इसको, देखो या तो आप इसमें बनाइए डायग्राम इस तरीके से, ये सेंटर में नाभिक, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, चौथी क्लास और अनंत क्लास इस प्रकार से चलती जाएगी, ठीक है। अब देखो बामर श्रेणी कब बनती है, जब तीन से जंप करता है, जब चार से जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन अनंत से जंप करता है। तो ये बहुत सारी श्रेणियां आ रही है ना, ये श्रेणियों में लाइनें बहुत सारी आ रही है ना, तो इन लाइनों में बताओ पहली रेखा कौन सी होगी, हमारी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी। सर फर्स्ट लाइन तो ये हो रही है, कौन सी, जो तीन से दो में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तब कौन सी रेखा आएगी, पहली रेखा।
जब चार से दो में कर रहा है तो दूसरी रेखा, जब पांच से दो में कर रहा है तो तीसरी रेखा, और जब अनंत से दो में करेगा तो कौन सी रेखा आएगी? अंतिम रेखा आएगी। ठीक है, हमें केवल तरंग दैर्ध्य दो रेखाओं के ज्ञात करने होते हैं, एक तो प्रथम रेखा और एक अंतिम रेखा। तो आप क्वेश्चन देखिए, लिखवाया क्वेश्चन के रूप में, एच परमाणु में कौन सी सीरीज, बामर सीरीज के लिए प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एन वन तो कितना हो जाएगा, दो। बामर श्रेणी के लिए एन वन तो कितना होगा हमेशा ही, दो, और एन टू कितना हो जाएगा, तीन, फर्स्ट रेखा के लिए। ठीक है, तो देखिए पुट इसको हम कर देते हैं, दो और तीन पुट करेंगे तो कुछ नहीं आ जाएगी, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, एक बटा चार माइनस एक बटा नौ, एल सी एम 36 आएगा, 36 एल सी एम लेके नौ माइनस चार तो वो हो जाएगा पाँच, पाँच आर बटा 36, वन अपॉन लैम्बडा है वो, उल्टा करेंगे तो 36 बटा पाँच और अपॉन में आर हो जाएगा, और हम जानते हैं वन अपॉन आर का मान याद करो कितना करवाया था मैंने, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो काट के इसे हल करेंगे तो लगभग कितना आएगा आंसर, 6563 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा, 6563 एंगस्ट्रॉम। किसी को याद हो तो बताइए, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की वेवलेंथ कितनी आई थी, बोलो, 1216 एंगस्ट्रॉम आएगी। ठीक है, और यहाँ कितनी आ रही है, 6563। सिंपल है बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल इसमें लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की कौन सी लाइन, अंतिम लाइन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। बताओ अंतिम लाइन कब मिलेगी, बिल्कुल सिंपल है, एन वन तो कितना होगा, दो, और एन टू कितना होगा, अनंत, एन टू अनंत, तो अनंत से जब आएगा इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास में, दूसरी क्लास में, तो जो लाइन मिलेगी वो कौन सी होगी, अंतिम रेखा होगी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है इसने, बामर श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए एन वन बराबर दो और एन टू बराबर अनंत। फॉर्मूला, वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर, वन अपॉन दो का स्क्वायर माइनस वन अपॉन अनंत का स्क्वायर, क्योंकि एन टू की जगह क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, अनंत का स्क्वायर करेंगे तो जीरो हो जाएगा स्टेप, अगले पेज पे है ये। देख सकते हैं आप, वन अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू आर, वन अपॉन दो का स्क्वायर वन अपॉन चार, और अनंत का भाग देंगे तो जीरो आएगा, उल्टा करना पड़ेगा लैम्बडा निकालने के लिए, तो चार बटा आर हो जाएगा, और एक बटा आर की जगह 912 एंगस्ट्रॉम हल करेंगे तो 3648 एंगस्ट्रॉम आएगा, और ये वेवलेंथ न्यूनतम होगी। याद रखिए, मैंने समझा था पहले भी आप लोगों को कि जब अनंत से आती है ना इलेक्ट्रॉन, तो जो वेवलेंथ आती है वो न्यूनतम आती है, और जो पहले प्रथम लाइन की आई थी वो उसकी अधिकतम आई थी वेवलेंथ। तो बताइए बामर श्रेणी में वेवलेंथ कहाँ से कहाँ के बीच में आती है, 6563 एंगस्ट्रॉम से 3648 एंगस्ट्रॉम के मध्य आती है, और एक नीचे लिखवाया मैंने, बताओ स्पेक्ट्रम के किस भाग में आती है ये। अगर आपको याद हो तो लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के केवल पराबैंगनी भाग में आई थी, लेकिन ये पराबैंगनी के साथ साथ दृश्य भाग में भी आती हैं। बहुत सिंपल है, हो जाएगा हल आराम से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्रेणी लेते हैं, पाश्चन श्रेणी। कौन सी, पाश्चन, बहुत सिंपल है। बताओ एन वन कितना होगा, एक फिक्स कर दिया लाइमन के लिए, दो बामर के लिए, तो पाश्चन के लिए कितना हो जाएगा, तीन, तो एन वन कितना हो जाएगा, तीन, और एन टू बोलो हायर क्लासेस वो कितनी होगी, चार पाँच छः से लेकर के अनंत। तो परिभाषा क्या हो जाएगी बताइए, कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा कौन सी होगी बोलो, वो एन टू बराबर तीन नहीं चार पाँच छः अनंत से कहाँ जंप करता है, तीन में जंप करता है, तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला क्या बोलेंगे हम, पाश्चन श्रेणी बोलेंगे। अब पाश्चन श्रेणी के लिए फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अब बताओ एन वन फिक्स होगा क्या, यस एन वन फिक्स होगा, और वो कितना होगा, तीन। तो क्या होगा फॉर्मूले में, वन अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू आर, वन अपॉन तीन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर।
ये हमारा व्यापक सूत्र हो गया। अब वही काम करना है इसमें, किस रेखा की बोलो, प्रथम रेखा की वेवलेंथ और किस रेखा की, अंतिम रेखा की वेवलेंथ हमको ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम रेखा बताओ कब आएगी, जब एन वन तो कितना हो 3 और एन टू कितना हो 4। बताओ अंतिम रेखा कब आएगी, जब एन वन तो कितना हो 3 और एन टू कितना हो अनंत। ठीक है, क्वेश्चन लिखवाया है मैंने, हाइड्रोजन परमाणु की पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो बताओ प्रथम रेखा में कितना होगा, प्रथम रेखा के लिए एन वन तो 3 होगा और एन टू 4 होगा। सूत्र ये लिखा है इसने, 1/λ = r, 1/n1² - 1/n2² एन वन की जगह 3, एन टू की जगह 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, LCM आएगा 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 - 9, 144, दोनों पक्षों को उल्टा कर देंगे तो लैम्डा आएगा 144/7 × 9 1 2 angstrom, हल करेंगे तो आएगा 18,751, कितना आएगा 18,751 angstrom, और ये लैम्डा का मान मैक्सिमम होगा, ये लैम्डा का मान कितना होगा मैक्सिमम। ठीक है, फॉर पाश्चन सीरीज, पाश्चन श्रेणी के लिए। अब बताओ अंतिम रेखा के लिए क्या करोगे आप, क्वेश्चन लिखा है पाश्चन श्रेणी की अंतिम रेखा की वेवलेंथ ज्ञात करो। अंतिम रेखा के लिए एन वन कितना हो जाएगा 3 और एन टू कितना हो जाएगा अनंत, एन वन 3 एन टू अनंत, क्या होता है फॉर्मूला लिख दिया इसने, एन वन की जगह 3, एन टू की जगह अनंत, अनंत का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो आर बटा 9 हो जाएगा, ये उल्टा करना पड़ेगा तो लैम्बडा 9/r हो जाएगा, और 1/r की जगह 912 एंगस्ट्रॉम कर देंगे, हल करेंगे तो 8,208 एंगस्ट्रॉम कुछ आ रहा है, ये 8,208 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, तो ये मिनिमम आएगी। तो बताओ पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ के बीच में आती है, तो पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ 18,751 से 8,208 एंगस्ट्रॉम के मध्य में आती है। ठीक है, और ये जो है ये स्पेक्ट्रम के किस भाग में आता है, ये स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में आता है, याद रखो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में, आपका दूसरा नंबर बामर श्रेणी पराबैंगनी प्लस दृश्य में आती है, और तीसरी सीरीज पाश्चन ये किस में आती है अवरक्त में। ठीक है, अगली सीरीज ब्रेक्ट सीरीज, ब्रेक्ट श्रेणी बिल्कुल सिंपल है, जब इलेक्ट्रॉन बताओ ब्रेक का नंबर कौन सा आएगा 4, तो जंप कहाँ से करेगा 5, 6, 7 अनंत से, कहाँ में 4 क्लास में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तब जो सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी ब्रेक्ट सीरीज। लिखा हुआ है इसमें एच परमाणु जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा, बोलो कौन सी होगी वो, N2 = 5, 6, 7 अनंत से निम्न कक्षा N1 = 4 में संक्रमण करता है, तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रेणियाँ कहाँ आती है, श्रृंखला क्या बोलते हैं हम, ब्रेक्ट श्रेणियाँ कहते हैं। ब्रेक्ट श्रेणी के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/λ = r, 1/n1² - 1/n2², क्या एन वन फिक्स है क्या, यस, कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 1/λ = r, 1/4² - 1/n2². तो देखना है 1/4² - 1/n2² और 4 का स्क्वायर 16 होता है, लिख सकते हैं आप। फिर वही दो सवाल आएंगे इसमें भी, ब्रेक्ट श्रेणी की प्रथम रेखा की वेवलेंथ और ब्रेक्ट श्रेणी की अंतिम रेखा की वेवलेंथ ज्ञात करो। बताओ ब्रेक्ट सीरीज की प्रथम रेखा के लिए एन वन कितना हो जाएगा 4 और एन टू कितना हो जाएगा 5, स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से आप, 1/4² - 1/5² 16/25 हो जाएगा ये, इसमें LCM लेके सॉल्व करो पूरे को, 40,533 एंगस्ट्रॉम आएगा, कर लेंगे इसको आराम से। इसी प्रकार से अंतिम रेखा कब आएगी बताएं, सर अंतिम रेखा के लिए क्या होगा बताओ, अंतिम रेखा के लिए एन वन तो 4 और एन टू कितना होगा इनफाइनाइट,
एन वन तो चार और इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का भाग देखें तो जीरो हो जाएगा। पूरा सोल्व कर लेना इसको आराम से, 14592 एंगस्ट्रॉम ये हमारा आंसर आएगा। और इसी प्रकार से फ्रंट सीरीज भी आप लोग कर लेंगे, आप लोग करना, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। अब आपकी श्रेणियाँ जो हैं वो आप पूरी कर सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आएगी तो मैं कल आपको फुंड श्रेणी से दोबारा शुरू कर दूंगा। थैंक यू।